एक विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है जो एक साथ दो कोर्सेज करना चाहते हैं। कई बार होता है कि जॉब की रिक्वायरमेंट है, टाइम आपके पास कम है, तो ऐसी प्रोविजन है इन अकॉर्डिंग विद यूजीसी गाइडलाइन कि आप दो कोर्स कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्लैरिटी जरूरी है कि दो कोर्स आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले ये देख लें कि ये जो यूनिवर्सिटी की तरफ से ये रहा पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, डायरेक्टर प्लानिंग एंड ऑब्जर्वेशन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, ये डेट है जब ये लेटर इशू हुआ है। और इसका सब्जेक्ट क्या है, एकेडमिक सेशन 2022 एंड 23 में विद्यार्थियों को एक समय दो कोर्स करने की सहूलत देने के संबंध में क्या लिखा है। ऊपर बताए गए विषय के संबंध में यूजीसी नई दिल्ली की तरफ से प्राप्त पत्र, ये पत्र नंबर है बताया गया 13 अप्रैल 2022 को जो मिला है, में दर्शाई गई निम्नलिखित गाइडलाइंस के आधार पर विद्यार्थियों को एक समय दो कोर्स करने की सहूलत देने संबंधी गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी में लागू करने की वाइस चांसलर साहिब वल्लों परवानगी दे दी गई है। तो ये इतनी बात ये है कि जो दो कोर्स विद्यार्थी एक टाइम पर कर सकते हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने उसको मानता दे दी है, प्रमाणगी दे दी, अप्रूवल दे दी गई है। तो कंडीशंस क्या है कि कैसे आप कर सकते हो। फर्स्ट है ए स्टूडेंट कैन परस्यू टू एकेडमिक प्रोग्राम्स, दिस इज इंपॉर्टेंट खुशखबरी है। वन इन फुल टाइम फिजिकल, ये बात है फुल टाइम फिजिकल, फिजिकल मीन नॉट ऑनलाइन मोड, ओके। फिजिकल मोड जब आप क्लास में अटेंड होते हो, अटेंडेंस आपकी वहां लगती है सीधी, बॉडी की अटेंडेंस लगती है, माइंड की भी लगनी चाहिए वैसे। एंड अनदर इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ये एक बात हो गई, एक तो फिजिकल मोड हो गया, दूसरा हो गया साथ में आप क्या कर सकते हो, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल आप कर रहे हो एमए कर रहे हो, मान लीजिए आप रेगुलर फिजिकल मोड से हैं और आपने बीएड की हुई है, तो आप एमएड अगर अवेलेबल है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से तो कर सकते हो। इसको उल्टा करके भी देखते हैं, आप बीएड फिजिकल मोड से कर रहे हो, ठीक, तो आप के लिए मान लीजिए आपने पेडागॉजी ऑफ, ये बीएड के विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं, बाकी जनों के लिए अकॉर्डिंगली भी ये जरूरी है, पेडागॉजी ऑफ आपका पॉलिटिकल साइंस का आपने पढ़ा है लेकिन आप के पास एमए पॉलिटिकल साइंस नहीं है। अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस कर लेते हो तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल बनते हो, ठीक, तो वो बीएड के दो साल एक्स्ट्रा लगेंगे। लेकिन ये खुशखबरी कैसे बनती है कि अगर आपने बीएड में एडमिशन ली है साथ ही ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में एमए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले ली है, इट मीन साथ साथ आप इसके एग्जाम दे रहे हो, साथ साथ इसके एग्जाम दे रहे हो, एक दो साल में आप बीएड और एमए इकट्ठी कर लेते हो। फायदा क्या हो गया कि आप बीएड जब करते हो तो साथ में ही एलिजिबल बन जाते हो, जो पहले ये संभव नहीं था। ऐसे ही आप पेडागोजी ऑफ लाइफ साइंस की एग्जांपल ले सकते हो, पेडागोजी ऑफ लाइफ साइंस, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, जो साइंस के विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उन्होंने एक सब्जेक्ट मान लीजिए पढ़ा था, उसके बेस पर बायोलॉजी का एक सब्जेक्ट था लेकिन दूसरा साइंस नहीं थी, उनको लाइफ साइंस लेनी पड़ी, दूसरा फिजिकल साइंस ली हुई थी, मतलब लेनी पड़ी फिजिकल साइंस उनको, लेकिन उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, इसकी एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, इसकी भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो अगर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में आपकी वो ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि कई कोर्स ज्यादा प्रैक्टिकल डिमांड करते हैं, जरूरी नहीं ये अवेलेबल हो, अगर अवेलेबल है ना, तो वो आप देखिए यूनिवर्सिटी का, तो आप साथ में ही ये कर सकते हो बीएड के साथ।
अब प्रॉब्लम ये रहेगी, इससे नेगेटिव इसका क्या रहेगा, इससे आपका स्ट्रेस लेवल हाई होगा। सभी लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सिंसियरली बीएड जहां कोई और प्रोग्राम चलता है तो फिर तो पॉसिबल है। वैसे हमें पता है कि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम उजड़ चुका है, क्योंकि स्टूडेंट्स आते नहीं है और सिर्फ एग्जाम देते हैं और डिग्री हाथ में आती है। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत अच्छा है कि डिग्री दो मिल जाएंगी। लर्निंग के पर्पज से अगर होता है तो ये आपकी स्ट्रेस बढ़ाएगा। अगर ये सिंसियरली प्रोग्राम चलता है बीएड का, इच्छा रखते हैं कि चले, और अगर आप साथ में ये कोर्स दूसरा पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हो, तो जब हम जैसे पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो ये पॉसिबल है कि सोशल साइंस है, रिलेटिवली इजी है। मान लीजिए यहां पर एमए इंग्लिश आ जाती है, वो करनी है, तो वो आपके लिए डिफिकल्ट होगी, जो स्ट्रेस डाल सकती है। दैट इज वाई ये सभी के लिए नहीं है। आप पहले मेंटली प्रिपेयर हुईए और ये देखिए आपका शेड्यूल, आपका टाइम, आपके पास मेंटल एनर्जी ये तैयार है तो आप कर सकती हो। ये बात हो गई। दूसरी और कंडीशन क्या है उसको भी देख लें, ठीक है। डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम, अच्छा यहां तक अभी किया है कि एक ओपन है, एक रेगुलर है, फिजिकल मोड है, ये लिखा है फिजिकल, और ये ODL है। दूसरा और अप टू टू प्रोग्राम साइमल्टेनियसली इन ODL, अप टू टू प्रोग्राम, इसकी इंटरप्रिटेशन ये और है कि एक तो ये कह रहे हैं कि फिजिकल और ODL में साथ कर सकते हो। ये एक हो गया फिजिकल, ओके, दूसरा हो गया ODL, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। तो ये भी प्रावधान है कि अप टू मीन मैक्सिमम दो हितमहीन, इसकी मेरी मुताबिक ये इंटरप्रिटेशन बन रही है। अगर इसकी इंटरप्रिटेशन मेरी गलत होती है तो मैं बाद में क्लैरिटी कर दूंगा। तो ये कह रहे हैं कि अप टू टू ODL, इट मींस एक दो तीन, ये संभव नहीं लगता। हाँ ये लगता है कि ODL ये दो साथ साथ चल सकते हैं, मतलब ये दोनों प्रोग्राम, मान लीजिए MA आपकी चल रही है एक पॉलिटिकल साइंस और आप MA सोशियोलॉजी कर रहे हो साथ में, तो ये दोबारा रीड करके देखते हैं कि और अप टू टू प्रोग्राम साइमल्टेनियसली साथ साथ में लिखा हुआ है वैसे इन ODL, है ना, बोथ प्रोग्राम बीइंग ऑफर्ड बाय पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, लेकिन ये दोनों प्रोग्राम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के द्वारा ऑफर किए जा रहे हों, ये फायदा है। इट मीन यहां यूनिवर्सिटी का फायदा है। अगर UGC की गाइडलाइन के अनुसार है, नेचुरली है कि बाकी यूनिवर्सिटियों में हो जाएगा या हो चुका होगा, इसकी मुझे खबर नहीं है। डिग्री और डिप्लोमा नेक्स्ट किया है, डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम अंडर दीज गाइडलाइन शैल बी गवर्न्ड बाय द रेगुलेशन नोटिफाइड बाय द UGC। अब उसकी क्या जो नोटिफिकेशन है, रेगुलेशन है UGC की, वो अपडेट होती रहती है। ऑल्सो द रिस्पेक्टिव स्टेटरी प्रोफेशनल काउंसिल, यहां एग्जाम्पल दे सकता हूं NCT, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो मतलब इसने जो रूल्स एंड गाइडलाइंस बताई है, ये गाइडलाइंस, मान लीजिए इन्होंने कोई गाइडलाइन बताई है वो ऐसा करने से बीएड को मना करती हैं, तो ये प्रॉबेबल है कि ये आप नहीं कर सकोगे। लेकिन अभी तक NCT की ऐसी कोई नहीं है, अगर जब तक क्लैरिटी होती है मुझको इस बारे में, वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो मेरे ख्याल में आपको यूनिवर्सिटी इंक्वायरी पर बात करके, अगर आप दो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, अपनी एलिजिबिलिटी बनाना चाहते हो, साथ साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन के टीचर के लिए PGT के लिए एलिजिबल होना चाहते हो, जहां एडिशनल वाला भी इसमें सोचा जा सकता है, लेकिन ये नहीं पॉसिबल, क्योंकि एडिशनल वाला वैसे ही इसके बिना भी पॉसिबल है। हर कोई, कई यूनिवर्सिटीज देती है, ऑफर करती है, कई नहीं करती, इसलिए आप अपनी यूनिवर्सिटी में पूछ लीजिए। तो ये रहा कि आपको तीन, एक तो UGC की गाइडलाइंस हो गई, दूसरा अगर जो रेलेवेंट, ये तो BEd थी इसलिए मैंने उसकी काउंसिल का नाम लिया टीचर एजुकेशन। अगर आप कोई और कोर्स कर रहे हो तो उसकी नेशनल बॉडी है, स्टेटरी बॉडी है जो गाइडलाइन रूल्स नॉर्म्स बनाती है, तो वो आपको फॉलो करने होंगे, उसके अनुसार ही ये कोर्स आप कर सकोगे। अच्छा, किन के लिए ये नहीं है, एक और बात है इसमें, गाइडलाइंस सिर्फ
उन विद्यार्थियों के लिए लागू, जो विद्यार्थी पीएचडी प्रोग्राम में नहीं कर रहे। पीएचडी प्रोग्राम याद रखना, प्रोग्राम बोलते हैं हम, कोर्स बोलते रहते हैं ना, तो पीएचडी प्रोग्राम जो नहीं कर रहे ये दो कोर्स वो कर सकते हैं। इट मींस पीएचडी वाले दो कोर्सेज को अवेल एक टाइम पर, एक दो प्रोग्राम्स को एक टाइम पर अवेल नहीं कर सकते। तो ये थी, अगर इसके बारे में कोई इंटरप्रिटेशन चेंज होती है तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ये जानकारी आपके, क्योंकि एडमिशन का टाइम है, हेल्प कर सकती है कि आप टाइमली जो है एनरोल हो, और अगर फायदा लेना चाहते हो दो डिग्री का तो ले सकते हो। डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज। थैंक यू।